सुरेश कुमार। सूरज जी, बताया जा रहा है कि 24 तारीख को रसूलपुर फ्लाईओवर का उद्घाटन होना, तो लग रहा है कि कहीं तैयारी नहीं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अभी तो नहीं लगता कि तैयारी है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत है रही है, गांव के लिए निकल नहीं पा रहे, ठीक है ना, लेकिन अभी देखने से नहीं लगता कि कल को उद्घाटन हो पाएगा। काफ़ी विवादों में रहा है, बहुत लंबा समय लगा है, बार बार तारीख भी तारीख लगी है, उसके बाद ऐसा नहीं लगता कि कहीं दोबारा तारीख लग रही है, अभी तो पूरा नहीं हो पा रहा, क्या कारण है? हो सकता है वैसे एक दो दिन में हो जाए, लेकिन काम बहुत बैलेंस है अभी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण भगवान गुर्जर जी अभी हाल ही में कह के गए थे कि 24 तारीख को फिर आएंगे तो इसको उद्घाटन करेंगे, तो वो समय सीमा भी लगभग समाप्त हो चुकी है, जो कि कल 24 तारीख है, फिर से इसका उद्घाटन होने तैयारी थी, लेकिन हो नहीं पाए, क्या कहते हैं? नहीं, वो तो नहीं पता कि भाई 23 तारीख को है, 24 को बोल के गए, लेकिन अभी भी एक दो दिन का काम तो बैलेंस है। किस तरह का काम बकाया है? लाइटिंग का है, बीच बीच में पैच बचे हुए हैं, अभी तो काम साइड की बरम भरी नहीं, साइड की बरम नहीं भरी है अभी। बलराज नाम है जी मेरा। कहाँ रहते? हरिनगर में, यहीं पर पास में। बलराज जी, बताया जा रहा था कि पुल का उद्घाटन की जो समय सीमा है वो नज़दीक आ चुकी है, जिसको लेकर तमाम तैयारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्या कहना चाहेंगे? हमें ये बताया गया था कि ये 24 तारीख को खुल जाएगा पुल, और किसी को थोड़ी अभी पता चला था कि शायद ये 23 तारीख को ही जनता के लिए खोल दिया जाएगा, क्योंकि जनता 6 साल से परेशान है यहाँ पर, परंतु अभी भी देखने में पता चल रहा है, और ठेकेदार के हाथ में अभी भी ये बोल रहे हैं कि इसे कल भी नहीं खोलेंगे, कृष्णपाल जी 26-27 तक बिजी हैं और उसके बाद इसे खोलेंगे। ये हमारा सरकार को भी और ठेकेदार को भी, प्रशासन को भी अल्टीमेटम देते हैं हम, कि अगर कल तक ये 12 बजे तक बाद नहीं खोला तो उसके बाद हम लोग इसे अपने आप खोल देंगे, चाहे सरकार हमारे खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करे या कुछ भी करे। तो क्या मान के चले कि आप सीधे सीधे सरकार को चेतावनी देते नज़र आ रहे हैं कि कल तक अगर दोपहर को इसको नहीं खोला गया तो आप स्वयं यहाँ के स्थानीय लोग मिलकर इसको खोल देंगे? बिल्कुल, हम यहाँ सारे मिलकर पब्लिक, जितने भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और जितने भी यहाँ के लोकल हैं, हम काफ़ी परेशान हो चुके हैं। पिछले 6 साल से यहाँ पर कम से कम 50 से 60 मौत हो चुकी हैं, ठेकेदार ने कई बार तारीख पर तारीख दी है पर उन्होंने कभी इसमें आज तक काम पूरा नहीं किया। आज भी अभी देखो कि एक एक हफ्ता तक काम पेंडिंग में डाल दिया है हमारा। ये 24 तारीख कल 12 बजे तक लास्ट है, उसके बाद हम लोग इसे 100% इसे खोल देंगे, चाहे कुछ भी प्रशासन करे हमारे साथ। दिनेश बेसला। दिनेश जी कहाँ रहते हैं? हरिनगर में रहते हैं। दिनेश जी, क्या मामला है? तमाम सभी जो आपके साथी हैं यहाँ पुल पर खड़े हैं, देखा जा रहा है कि कुछ तैयारियाँ होनी थी, कल शायद घाट होना था, लेकिन कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? हमारे मंत्री जी ने 24 तारीख के लिए बोला था इसके, कल अगर 12 बजे तक नहीं चलता है पुल तो हम अपने आप खोल दिए जाएंगे। तो ऐसा नहीं लगता कि आप सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? सरकार को तो इसका खामियाजे भुगतना पड़ेगा, जैसे कहते हैं कि हमारा बैसलात का मंत्री बैसलात के लिए उन्हें 6 साल के पुल की सौगात नहीं दे पाई, तो इसका ऐसे भुगतना पड़ेगा। सरकार तो प्रयास कर रही है, उनका कहना है कि कहीं देरी हुई है, कोई विवाद भी रहा है, ठेकेदार की कमी रही है कुछ, हमें प्रशासन की लापरवाही की वजह से। तो क्या कहना चाहते हैं कि अगर कल अगर इसको मुहूर्त नहीं होता तो आप इसे खोल देंगे? खोल दिया जाएगा 12 बजे पुल को, हमारे स्थानीय लोग खोल देंगे सभी।